बाहर आ रहे अरे भाई सर अरे बाहर तो आने दो यार सातपुते सर लेकिन कमाओ ना बंद करने का बोलो ओ सातपुते सर व्हाट इज दिस लेकिन कमाओ त्याला बोलवा ना त्यांना बोलवा ना फक्त माइंड दाखव ना एक मिनिट अरे भाई त्याला बोलवा ना फक्त दाखव ना सर इधर देख के बाइक दो सिंगल आप विंडो बंद करो अंदर चले जाओ पुलिस स्टेशन सर काम बंद करो सर काम बंद करो सर बस 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 तोड़ दे सर सर बस सर सर आ जाओ आ जाओ आराम से आ जाओ हां सर एवढं एवढं सर एवढं घे साइड में आ रहा हूं अरे इधर आ रहा हूं बाहर धक्का मत अरे जगह दीजिए अरे बात तो नहीं करो यार क्या चलो ना आ जा आ जा अरे चल ना यार ये साथ में जाएगा जा रहे हैं क्या उनको अरे 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 क्या कर रहे हो अरे 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 यार पूरे कहाँ जाता है सब यहाँ आराम से आराम क्वेश्चन नहीं बैग फ्रॉम बैग यार मैं मेरे को अभी स्कूटी पे सी व्हाट दे आर डूइंग ग्रुप में करो दो ग्रुप में करो रहने दो व्हाट दे आर डूइंग इनको दे दो बूम दे दो पीछे हो जाओ इनको बूम दे दो इनको बूम दे दो रिलैक्स हो जाओ आराम से आराम से एक मिनट आराम से रिलैक्स हो जाओ ये किधर आराम से आराम से इसको केबल 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 एक मिनट रिलैक्स आराम से अरे भाई रखा है भाई रुके रहो रोल करो रोल अरे मैम यहाँ पे स्पेस कहाँ से लाएंगे बाहर एक मिनट रुक जाओ सर 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 रुके रहो मैम There's a reason for that is because सारे कैमरा में लगे हुए थे लेकिन आपने जबरदस्ती बूम बजाई इसी वजह से वरना he is also ready to give सर सर सबको देंगे सर जस्ट मेंटेन चिल्ला ना रुक ना जस्ट मेंटेन डिसिप्लिन जस्ट प्लीज 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 साइलेंट एक मिनट थोड़ा एक मेरे जूनियर को अरे भाई जूनियर को वो लोग चले गए उधर ये आ जा ये आ रहे हो हु इज शाउटिंग मेरा उनको आ रही हो देन देना हु इज शाउटिंग आर भारत एक मिनट विजय हु इज शाउटिंग जस्ट डू योर उसको उसको बोला डोंट शाउट आर भारत ये या साइड ले इकडे या साइड ले अरे भाई एक मिनट मास्क करो मास्क ये आपका है ना एन आई सर प्लीज मत करिए अरे
भाई अब चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। सर बोला कितना ऊपर करेंगे आप? आप मेरे को बताओगे कितना ऊपर? आप अपना माइक नीचे रखिए ना। हाँ चलो रोल कैमरा, आप अपना माइक नीचे रखिए ना। चलो रोल 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 नीचे कर लो थोड़ा। किस तरह से कंप्लेंट दायर करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं कि प्रोसीजर क्या है, किस सेक्शन का रहे थे दायर हो रही। ये देखिए पायल घोष के बारे में जो हादसा, यस पायल घोष के पायल घोष के बारे में उसके साथ जो दुष्कर्म जो आरोपी ने किया है वो साल पहले किया था। बीच में उसको उसने एक बार ट्वीट किए थे, वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी थे उसके, ट्वीट किए थे और कुछ लोगों को बोला भी था उसके साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म हुए थे और उन्हें अभी पूरे दिन भर मीडिया में भी बताया उसके साथ क्या हुआ था। ये जो मामला है उसके साथ जो आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमन यानी कि महिला का सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया गया है उसके साथ वो अटेम्प्ट किया गया था उस वक्त और उसके बारे में ये घटना जो घटी थी उसके बारे में ये जो अपराध है ये दखल पात्र यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके तहत कानून के तहत इसको 7 साल तक इसकी पनिशमेंट है, 3 साल तक की पनिशमेंट है। कौन सी धाराएं लगी? ये जो इसकी धारा जो है 354-509 के तहत इसका ये मामला दर्ज हो सकता है। अभी ये पायल घोष ने आज तय कर लिया है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके अंडर सेक्शन 154 अब CRPC के तहत FIR दर्ज होगा, बाकायदे दर्ज होगा और उसके लिए अभी हम लोग आए, हम लोग ने प्रिपरेशन किया है, हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी किया है। अभी हम लोग पायल के साथ हम लोग अभी थोड़ा चर्चा करके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने जाने वाले हैं। ठीक है सी, दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज टू बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। सो इफ द पायल घोष इज अप्रोचिंग टू द पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस दैट इज आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमन दैट इज अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC एंड 509 ऑफ IPC इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस नीड नॉट टू मेक एनी कंप्लेंट और रिटन कंप्लेंट और एनीथिंग टू द पुलिस स्टेशन। इफ यू अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन द पुलिस हैज टू लॉज द FIR इंस्टेंटली प्रॉम्प्टली एंड गिव वन कॉपी टू द पायल घोष दैट इज अ कंप्लेनेंट। सर क्या कुछ सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जी? जो भी सबूत है जो पायल जी के पास है अभी जो भी सबूत है इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो सारे सबूत पुलिस को देंगे और जो सबूत जो थे या उसको रिट्राइव करना है वो सारे पुलिस का काम है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। रिट्रीव यानी कि चैट्स कुछ थी व्हाटएवर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दैट हैज टू बी रिट्राइव। जब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही एविडेंस इज देयर so that evidence if it is vanished or disappear from the electronic devices that can be retrieved from the expert or forensic expert and that is the evidence is admissible in the before the court of law. Richa Chadda has signed a legal petition to your client. She has not accepted it. What happens in that? See, Richa Chadda's matter that this issue is different. So we'll have discussion with the host and thereafter I will be able to reply you properly. और हिंदी में जो बताना चाहूँगा ये जो मामला है ये कॉग्निजेबल है, दखल पात्र है और ये जो दखल पात्र जो अपराध किसी महिला के साथ होता है तो पुलिस स्टेशन में अगर जाती है तो उसकी तत्काल उसकी FIR दर्ज करनी पड़ती है पुलिस को, उसके लिए कोई शिकायत रिटर्न शिकायत या कोई लिखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो घटना घटी थी कुछ साल पहले घटी थी उसका डिले क्यों हुआ वो डिले वो अपने FIR में बाकायदा शिकायत में वो लिखेंगे डिले क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, उसकी जिम्मेदार कौन है और उसकी वजह से यह डिले है। और ये 354 का जो मामला होता है यानी कि महिला की जो सेक्सुअल जो मोलेस्टेशन होता है वो हर केस में हर महिला के साथ जब ये मामला होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि महिला तुरंत पुलिस थाने में जाए, कुछ महिलाओं को समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है सोचने के लिए, सोशली उनको प्रेशर होता है तो प्रेशर जब दूर होगा तो उसके बाद ये महिला जाके अपना शिकायत दर्ज कर सकती है। लीगल नोटिस भेजा उसके बारे में? मैं उसके बारे में बता चुका हूँ कि उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं जाके पर्सनली उससे बात करूँगा, उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में जानकारी लेके मैं फिर से बाद में करूँगा। सर 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 रिक्वेस्ट है अभी 1-to-1 प्लीज मत दीजिएगा, अभी आप देंगे तो सबको देना पड़ेगा।